यूपी में सभी मंत्रियों को 100 दिनों का दिया गया टारगेट। 100 दिन के भीतर सीएम के सामने मंत्रियों को पेश करना होगा विकास का खाका। फोन पर ही सीएम योगी ने महिला को दिया इंसाफ। मेरठ की महिला ने सीएम को किया था फोन। नियुक्ति पत्र के बाद भी नहीं मिल रही थी ज्वाइनिंग। महिला को मेरठ का कॉलेज किया गया आवंटन। अखिलेश और शिवपाल के बीच सुलह कराने की कोशिश कराएंगे राजभर। लखनऊ में आज शिवपाल से मिल सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। देवरिया में नकल माफिया गिरोह का हुआ भंडाफोड़। प्रधान के घर लिखी जा रही थी यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां। 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज। कल सरकार ने सदन में पेश किया था लेखानुदान। 4 माह के लिए रखा गया 21,000 करोड़ का लेखानुदान। अब सदन में होगा पारित। उत्तराखंड में मंत्रियों को आवंटित किए गए विभाग। सीएम धामी के पास गृह राजस्व समेत 23 मंत्रालय का जिम्मा। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जबलपुर में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को फिल्म की भेजी टिकट। पुणे के कांतरज में एक गैस गोदाम में ब्लास्ट के बाद लगी आग। दूर तक दिखी आग की लपटें। कई लोग गोदाम से सिलेंडर ले जाते दिखे। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि। प्रति लीटर 80 पैसे बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 9 दिन में 8वीं बार होगी मूल्यों में बढ़ोतरी। श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। सम्मेलन की वर्चुअल शिखर बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीरभूम हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी का मंथन। पीएम मोदी बंगाल के सांसदों के साथ बैठक करेंगे आज। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 35वां दिन आज। रूस के कई शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। यूक्रेन के माइकोलेव में रूस ने रॉकेट से किया हमला। हमले में 3 लोगों की हुई मौत। इमरान खान के सत्ता से जाने की उल्टी गिनती शुरू। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी आसिम नाजिर ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पहुंचे चीन। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार।